नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 25 जीएस स्पेशल क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको किसी भी एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें हमने जीएस के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से क्वेश्चन उठाए, साथ ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड किए हैं ताकि आने वाले एग्जाम में आप सभी को थोड़ी हेल्प ज़्यादा मिल सके। तो आप सभी को बता दें कि हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको 1 से 2 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसमें आपको वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देना है, और फाइनली जब वीडियो खत्म हो तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में टोटल कितने सही आंसर दिए हैं उसकी संख्या आपको बतानी है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। उम्मीद करता हूं जो लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे वो यहां पर 20 प्लस क्वेश्चंस के सही आंसर दे पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक जरूरी जानकारी देना चाहूंगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा कि अन अकेडमी की तरफ से प्रैक्टिस PYQ टेस्ट सीरीज़ नवंबर में चलाई जा रही है, और ये जो टेस्ट सीरीज़ होगी 9 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक चलाई जा रही है 2020। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 15 टेस्ट करवाए जाएंगे, जो कि मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे डेली करवाए जाते हैं। यहाँ पे वीक देख सकते हैं आपके, फर्स्ट वीक में कौन से होंगे, सेकंड वीक में कौन से होंगे और थर्ड वीक में कौन से होंगे, 3 वीक यहाँ पे चलेंगे। तो मंडे को यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट वीक में जो होगा मंडे को क्वांट टेस्ट 1 होगा, फिर क्वांट 2 होगा, 3 होगा, इसी तरीके से आपके करवाए जाएंगे। तो मंडे को जो आपका होगा क्वांट 1 का होगा, ट्यूसडे को जो होगा इंग्लिश टेस्ट होगा, वहीं पे वेडनेसडे को रीजनिंग होगा, और थर्सडे को आपका GA होगा, और फ्राइडे को आपका रहेगा GS टेस्ट। यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक का शेड्यूल फिक्स है। हर एक में देखेंगे कि पहला हो जाएगा, फिर दूसरा पोर्शन हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, इस तरीके से करवाया जाएगा। तो इसमें आप जितने बार SSC के जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो फटाफट से जाके इसके लिए एनरोल करवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वहाँ से जाके आप इसके लिए एनरोल करवा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इसके लिए एनरोल करवा लें, और अगर आपने इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए और बाकी के लोग भी इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए आज ही आप सभी लोग इसके लिए एनरोल करवा लेंगे। आप सभी को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे आप घर बैठे किसी भी एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हो, बहुत ही कम अमाउंट में। तो फटाफट से जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और डेली लाइव क्लासेस, फ्री क्लासेस वगैरह का बेनिफिट उठाइए। उम्मीद करता हूँ आज ही जाके आप सभी अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से सभी क्लासेस का बेनिफिट लेने लगेंगे और सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देंगे। तो फटाफट से जाइए सभी डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आप सभी को वहाँ पर दी गई है, तो वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने किस देश से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदने का समझौता किया है। ऑप्शन ए USA, इंग्लैंड, इंडोनेशिया और रूस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा USA, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए राजीव रॉय किरण, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र दास, ऑप्शन सी मेहुल कर्माकर, ऑप्शन डी अभय चौधरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभय चौधरी। नंबर तीसरा दिया गया, भारत ने किस विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है। ऑप्शन ए दिया गया राफेल, MiG-21, सुखोई या चिनूक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुखोई। चलिए अगला देखते हैं, नंबर फोर दिया गया है, रंगभेद में किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक मिलता है। तो ऋग्वेद में किसका सबसे अधिक उल्लेख मिलता है, कौन सी नदी का, सरस्वती, गंगा, यमुना या सिंधु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया नंबर 5, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले की गई थी। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में। नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पास सतलुज घाटी में स्थित है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिपिकी ला, ऑप्शन डी इज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 7 दिया गया, नीचे जाने वाले बैरोमीटर का एक संकेत है। ऑप्शन ए बर्फ, तूफान, तीव्र गर्मी या वर्षा। नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे नंबर 8, दिल्ली मेट्रो रेलवे के प्रबंध निदेशक कौन है। ऑप्शन ए मंगू सिंह, बी एल जोशी, आर श्रीधरन, ऑप्शन डी सैम प्रतोदा। तो करेक्ट आंसर बताएंगे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगू सिंह, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 9वां दिया गया, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, जेम्स ऑंगस्टन,
रॉबर्ट क्लाइव या ए या सी दोनों। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स एंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दसवां दिया गया ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, ऑप्शन ए दिया गया कोयला, परमाणु, पेट्रोल या सौर ऊर्जा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 11 देखेंगे कपाल कुंडला के रचयिता कौन है, ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी ताराशंकर बादो उपाध्याय, ऑप्शन सी शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो 11वें का करेक्ट आंसर देंगे तो 11वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 12वां देखेंगे नाजीवाद के जन्मदाता किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। फटाफट से बताएंगे तो 12वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिटलर। चलिए 13वां दिया गया कौन व्यक्ति हाल ही में C8 टायर के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना, ऑप्शन बी वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन सी BBS लक्ष्मण या ऑप्शन डी आमिर खान। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप सभी का हो जाएगा आमिर खान, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 14वां देखेंगे कंबोडिया का अंकुरवाट मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो ऑप्शन ए ब्रह्मा, विष्णु, शिव या गणेश। तो 14वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णु, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे 15वां पानी में निम्नलिखित में से कौन सा लवण ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनता है, ऑप्शन ए केडियम, सल्फाइड, कार्बोइड, कार्बोनेट या नाइट्रस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 16वां दिया गया भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्सड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीता, ऑप्शन ए रितु फोगट, बबीता फोगट, कर्णम मल्लेश्वरम या रचना जायसवाल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा रितु फोगट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 17वां दिया गया चित्तौड़ के विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री को बनवाया था, ऑप्शन ए राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने या बप्पा रावल ने। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 18वां दिया गया नीति आयोग निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ फ्रंटियर टेक्नोग्लीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए तैयार कर रहा है, तो ऑप्शंस दिए गए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा AWS, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 19वां देखेंगे प्राचीन भारत में मगध राज्य की पूर्ववर्ती राजधानी थी, ऑप्शन ए राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली या वाराणसी। तो 19वें का सही आंसर बताएंगे तो 19वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजगीर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 20वां देखेंगे विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, ऑप्शन ए हडसन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी या मैक्सिको की खाड़ी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 21वां दिया गया निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अमेरिका की युवा वैज्ञानिक चुनौती जीती है, ऑप्शन ए सीमा तोमर, ऑप्शन बी अंजलि भागवत, ऑप्शन सी अनिका चेब्रोलू, ऑप्शन डी अंदिता नायर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 21वें का अनिका चेब्रोलू, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 22वां दिया गया महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो 22वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजुपालिका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 23वां देखेंगे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा छात्रों के लिए ई लर्निंग सामग्री को के विकास और योगदान के लिए कौन सी राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है, ऑप्शन ए ई दिशा 2.0, ई ज्ञान 2.0, विद्यादान 2.0 या ई दीक्षा 2.0। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यादान 2.0, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 24वां देखेंगे हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन बना है, ऑप्शन ए अमेरिका, भारत, चीन या फ्रांस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 25वां दिया गया लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब और आसाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आसाम इज द करेक्ट आंसर। तो टोटल हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।